गुड मॉर्निंग किड्स कैसे हो बच्चों आप सब होप यू ऑल आर फाइन आप सब लोग ठीक हो हमने गुजराती में लास्ट में सीखा ड नो ड और एक्सरसाइज अब हम सीखेंगे न्यू थ्री लेटर्स किड्स लास्ट में हमने सीखा था नो ड उसके बाद हमने एक एक्सरसाइज कंप्लीट की अब हम आगे सीखेंगे ड नो ड चलो देखते हैं कैसे लिखते हैं धजानोटो पहले हम लोग एक हाफ सर्कल हाफ सर्कल करेंगे फिर वापस हाफ सर्कल करेंगे और यहाँ से स्टैंडिंग लाइन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका धजानोटो लेट्स वन मोर टाइम हाफ सर्कल अगेन हाफ सर्कल एंड देन स्टैंडिंग लाइन तो ये हो जाएगा आपका ढजाना द आपको याद रखना है कि डजाना द में यह छोटी वाली स्टैंडिंग लाइन करेंगे बड़ी वाली नहीं करना है वापस हम देखेंगे हाफ सर्कल अगेन हाफ सर्कल एंड लास्ट में स्टैंडिंग लाइन तो ये हो जाएगा आपका ढ ધજાનો ધજાનો ધનુષ્યનો ઢ થી ધનુષ્ય બાણ ચલાવીશું જ્યારે અમે મેળામાં જઈશું ધ થી ધનુષ્ય બાણ ચલાવીશું જ્યારે અમે મેળામાં જઈશું એ પૂરી ડો લાઈન ड ढजाना ढ से आपको ट्रेसिंग करना है फिर नीचे जो ब्लैंक लाइन दी है वो आपको पूरा कंप्लीट करना है ओके okay, किड्स अब नेक्स्ट रीड एंड अंडरलाइन ड चलो ड न उसका फर्स्ट लेटर ड ड रा ढरा का फर्स्ट लेटर ड मा ल डमाल डमाल का फर्स्ट लेटर ड ढ बा बाक डबाक का फर्स्ट लेटर ड ढ ड का फर्स्ट लेटर द, ट्रेसिंग करना है ब्लैंक लाइंस में कंप्लीट करना है और पीछे वाला पेज आपको होमवर्क में लिखना है बोलो घूटो अने लखो पहला आप शू बोलवा ढ जा नो ढ फिर ये ट्रेसिंग कंप्लीट करनी है और लास्ट में आपको खुद से ये बॉक्स में फिल अप करना है ओके नेक्स्ट आफ्टर ढ ढ जानो ढ न नगारा नो नौ लेट्स हाउ टू राइट फर्स्ट है ना छोटा सा सर्कल करेंगे फिर स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन तो ये हो जाएगा आपका नौ नगारा नो नौ वापस वन मोर टाइम देखेंगे छोटा सा सर्कल स्टैंड स्लिपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन तो ये हो जाएगा आपका न गारा नो वन मोर टाइम देखेंगे बच्चों सी हाफ सर्कल फिर स्लीपिंग लाइन देन स्टैंडिंग लाइन एंड कॉ तो ये हो जाएगा आपका न न गा नो न नगारा नो नगारू यानी कि ड्रम नोड़ नौ। नो न चलो न थी नगारू जो ठी वाग जाय न थी नगारू जो ठी वाग जाय बारो को मस्ती थी झुमटा जाय बारो को मस्ती थी झुमटा जाय आपको ये न ट्रेसिंग करना है फिर नीचे ब्लैंक में भी आपको कंप्लीट करना है ट्रेसिंग करके पीछे भी आपको क्या करना है न न गारा नो न फिर आपको ये ट्रेसिंग कंप्लीट करनी है और ये पूरा पेज भी आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है आपको बोल के लिखना है जैसे कि न न गारा नो न ओके किड्स अब हम देखेंगे रीड एंड अंडरलाइन न વાંચો અને નની નીચે લીટી દોરો ચલો ફર્સ્ટ લેટર ન ખ નખનો પહેલો લેટર ન ન ડી નુ નળિયું નળિયાનો ફસ્ટ લેટર ન ડી નદીનો ફસ્ટ લેટર ન ન ગ ર નગરનો ફર્સ્ટ લેટર ન ન જ ર नजर फर्स्ट लेटर न ओके किड्स न नगारा न न पीछे प पतंग नो प लेट्स सी हाउ टू राइट पहले हम छोटा सा कव करेंगे फिर स्टैंडिंग लाइन करेंगे फिर अगेन छोटा सा स यानी कि हाफ सर्कल फिर अगेन स्टैंडिंग लाइन एंड छोटा सा कव तो ये हो जाएगा आपका प पतंग नो प वापस लिखे छोटा सा सर्कल स्टैंडिंग लाइन हाफ सर्कल स्टैंडिंग लाइन एंड कव प पतंग न प लेट्स सी वन मोर टाइम छोटा सा सर्कल स्टैंडिंग लाइन कौ स्टैंडिंग लाइन एंड छोटा सा कव तो ये हो जाएगा आपका प पा। पतंग नो प नगारा न न पची आ पतंग नो पर पतंग यानि काइट वो तो आप लोगों को पता ही होगा उत्तराण में आप लोग पतंग को उड़ाते हैं ना फिर पसे पटंगू पटंगू यानि कि बटरफ्लाई बटरफ्लाई तो सबको पसंद ही होगा रंग बिरंगी बटरफ्लाई आते हैं ना बहुत अच्छे कलर्स होते हैं उनमें चलो पठी पटंग अमने अ खूब उड़ाविए पठी पटंग अमें खूब उड़ाविए पप्पू साथे पैच लडाए पप्पू साथे पैच लडाए आप लोग उतराइन में पतंग उड़ाते हो तब एक दूसरे के साथ पैच लगाते हो ना ये पोएम छोटी सी वो ही कहती है चलो पको आप हम लोग आप लोग ट्रेसिंग करोगे फिर नीचे भी आप लोग कंप्लीट करोगे पीछे वाला पेज भी आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है आपको साथ में बोलना भी है ट्रेसिंग भी करना है और अच्छे वाले हैंडराइटिंग में राइट करना है ओके रीड एंड अंडरलाइन द प ग पग, पग्नो नो फर्स्ट लेटर प पत्थर पत्थर नो फर्स्ट लेटर प प क व न पकवान पकवान फर्स्ट लेटर प प रा ग पराग नो फर्स्ट लेटर प प न पवन नो फर्स्ट लेटर प पतंग नो प कंप्लीट इट्स टू इजी ना किड्स ओके किड्स हम वापस तीनों लेटर वापस देखेंगे पहले हमने सीखा ढजानो ढेन नेक्स्ट न नगारा नो न एंड धन नेक्स्ट प पटंग न पजानो ढ नगारा नो न पटंग नो प धज नो ध न न गा नो न प पटंग नो प डियर किड्स टुडे वी विल लर्न न्यू थ्री वर्ड्स होप आप सबको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है और आपके टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है ओके थैंक यू सी यू नेक्स्ट वीक